हेलो गाइस, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए एक बढ़िया सी रेसिपी। ये हम सूजी भून रहे हैं। ये देखिए सूजी भून के, वैसे भी सूजी खाने में अच्छी होती है, हेल्दी होती है, प्रोटीन्स होते हैं। सूजी मिक्स कर दी है हमने बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटे हुए टमाटर। ये है हमारे टमाटर। और ये देखिए, जैसे इसमें हम सब सामान डाल देंगे। ऊपर से डाल दिया हमने हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शन है, बच्चों को देनी हो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं डालें। धनिया डाल दिया, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बच्चों को बड़ा पसंद आता है ये, मतलब यम्मी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। और ऐसे कुछ बहुत सारे तामझाम नहीं चाहिए, मसाले नहीं चाहिए। जो भी अगर शिमला मिर्च ना हो तो ना डालें, टमाटर प्याज डाल दें। तो अब ये डाल दिया हमने इसके अंदर क्रीम। क्रीम तो वैसे भी हेल्दी ऑप्शन है खाने के लिए। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसका एक बैटर बना लेंगे, एक स्प्रेड बना लेंगे, बैटर की जगह एक स्प्रेड बना लेंगे अच्छा सा। ये देखिए ऐसे करके, और ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको लगेगा कि कितना यम्मी रेसिपी है ये। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है हमारी डिशेज़। हम ज़्यादा ताम झाम, ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते, आसान सी रेसिपीज़ बनाते हैं जिसे कोई भी कभी भी बना सकता है। ये हमारा ये स्प्रेड बन गया। अब आखिरी में डाला नमक और डाली है काली मिर्च। इसमें हमने लाल मिर्च का यूज़ भी नहीं किया है। तो ये देखिए ये बन गया। और इसमें इसमें चाहे तो आप डाल सकते हैं मेयोनीज़, या आप कर सकते हैं चीज़, तो आपके ऊपर है, या ओरेगानो मिक्स कर दें। ये हमने लगा दिया ऐसे अच्छे से, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। मेरे को तो देख के दोबारा से भूख लग रही है, मतलब खाने में तो इतने यम्मी बने ही थे। और इसको हमने ऐसे स्प्रेड करके इसको पीस पे लगा लिया। पीछे चार पीस रखे हुए हैं, तो मैं फ़िलहाल के लिए चार पीस ही बनाऊँगा। YouTube पे दिखाने के लिए थोड़ा अच्छा रहता है ना, थोड़ा दिखावा भी करना पड़ता है। तो ये हमने लगा ली है स्प्रेड, ये देखिए वाह। आप इसे चाहे तो माइक्रोवेव कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, बटर में फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है मतलब। लेकिन हाँ, मतलब कैसे भी खा सकते हैं। और ये तो कभी भी दे दे बच्चों को, शाम को दे दे जब वो खेल के आएँ खाने के लिए, या बड़े बूढ़े जब ऑफिस से आएँ घर में जब, या कभी सुबह नाश्ते बना लिया। तो हमने डाला मक्खन पैन के अंदर थोड़ा सा, और ये देखिए मक्खन पिघल गया। अब इसके अंदर हमने रख दिया अपना ये पीस, और इसे कर देंगे हम फ्राई। मीडियम आंच पे रखा है ताकि ये जले ना, क्योंकि सूजी है तो बहुत जल्दी पक जाती है, तो जल जाती है। ये हमारा देखो ये हैंडल पाव भाजी बनाने वाला, जिससे हम अपनी ब्रेड को दबा रहे हैं। ये अच्छे से सेक लिया इसे, अब इसे परख लेंगे। और इसे देखिए कितना सुंदर रंग आया, गोल्डन ब्राउन सा हो गया। ये बनते भी यम्मी है, मतलब इसको चाय के साथ खाइए, कॉफ़ी साथ में ले लीजिए, या कोको कोला ले लीजिए। ये बन गए हमारे चार पीसेस, मैंने फटाफट से दिखा दिए कटिंग करके। और ये देखिए कितना सुंदर रहता है। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा आइए चैनल पे, हमारी रेसिपीज़ को देखिए, बनाइए, ट्राई कीजिए, और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको हमारा खाना कैसा लगता है। देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।